अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। आज एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन आप लोग लिख लें, डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आसान भी है। सबसे पहले आपने मास ऑफ अर्थ की जो है वो मेन हेडिंग ऑब्जेक्ट देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आगे ये जो कंसीडर लिखा हुआ है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट लाइन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यहाँ तक आप इसको मेंशन कर लें। यहाँ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ तक आप इसको मुकम्मल कर लें। इसके बाद आगे आगे आप डिस्कशन जो है वो आसान है। आपने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में या मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख लें, मैथमेटिकल डेरिवेशन बता दें। मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपके पास न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ मौजूद है, ठीक है, 5.3 की इक्वेशन है ये, आपने पीछे पढ़ के आए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम को ज़रा देख लीजिएगा, डायग्राम में थोड़ा सा आपको बता दूँ। डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि अर्थ के ऊपर एक मैस है छोटा सा, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से आर कैपिटल है, और उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहता है कि हर चीज़ को ऑब्जेक्ट जो है अर्थ अपनी तरफ खींचती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कायनात ही हर चीज़ क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है। इसी तरह स्मॉल एम भी जो है वो भी अर्थ को ट्रैक कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है जिसका मास ज़्यादा है और जिसका मास कम है, दोनों में फ़र्क है ना, मास में फ़र्क है, एक मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है, मास ऑफ अर्थ जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हम देखते हैं ग्रेविटेशन की फ़ोर्स ज़्यादा अट्रैक्शन की सिग्निफिकेंट होगी। स्मॉल मास जो है उसका मास कम है, इसलिए उसकी अट्रैक्शन अर्थ के लिए इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल मास है ना। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि जो वेट है वो फोर्स के इक्वल है, ठीक है, यानी कि बॉडी जो है वो अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो जो जिस फोर्स से मास को अट्रैक्ट कर रही है वो डब्ल्यू के इक्वल है, क्योंकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डब्ल्यू किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। अब आप 5.4 और 5.3 इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों की राइट साइड्स अगर आप देखें वो आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट है, मगर लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो आप लेफ्ट साइड्स को इक्वल कर लें। 5.4 और 5.3 दोनों कंपेयर कर लिया आपने, एम जी इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल एम जो है वो स्मॉल बॉडी का मास है, कैपिटल एम किसका है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। आर का मतलब है डिस्टेंस है दोनों का, ठीक हो गया, दोनों का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि जी एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम दोनों साइड में मौजूद है 5.5 में, तो ये जी की कीमत आ गई कि जी किसके इक्वल है, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब आप जस्ट 5.7 में देखें तो एम ई निकालने के लिए उसने आर का स्क्वायर और जी एक साइड पर रख दिया, जी पे कैपिटल जी पे डिवाइड कर दिया। तो मास ऑफ अर्थ निकालने का ये आसान तरीका हमारे सामने आ चुका है कि आप इसमें आर की वैल्यू है जो रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं इसको बेटा, ये 6.4 × 10⁶ है, ठीक है, उसका स्केयर है तो इसलिए स्केयर कर दिया गया। जी की कीमत आप जानते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 10 होती है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कीमत आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 6.673 × −11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये है। और ये आपके पास कहता है मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे टोटल जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद से आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा चैप्टर इतना लॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ एक से दो टॉपिक और हैं, उसके बाद यह चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, चैप्टर आसान है, बहुत ईजी है, और ज़्यादातर इसमें जो है वो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इस चैप्टर में शामिल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर इस टॉपिक से मुतलिक मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।